हाउ टू चूज अ डॉक्टर फॉर गायनेकोमीजिया सर्जरी। मैं डॉक्टर सुनील अरोड़ा, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन, ALCS हेयर ट्रांसप्लांट एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक, जयपुर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप गायनेकोमीजिया के लिए अपने डॉक्टर को चूज करें, कैसे आप फाइनल करें कि आपको किससे गायनेकोमीजिया की सर्जरी करवानी है। देखिए, गायनेकोमीजिया जब आपको लगता है कि आपको डाउट होता है कि गायनेकोमीजिया से आप सफ़र कर रहे हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो यही आता है कि अब आपको किससे मिलना है, किससे आपको कंसल्ट करना है, किस डॉक्टर से आपको जाके बात करनी है और अपने सारे डाउट्स क्लियर करने हैं। तो उसके लिए आपको कुछ रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप रिसर्च करें गायनेकोमीजिया की सर्जरी के लिए, कंसल्टेशन के लिए, तो कुछ पॉइंट्स जो आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं वो ये हैं कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि जिस क्लिनिक या हॉस्पिटल में आप गायनेकोमीजिया के लिए कंसल्टेशन के लिए जा रहे हैं, वहाँ कौन से डॉक्टर आपकी सर्जरी करेंगे या कौन से डॉक्टर आपको एग्जामिन करेंगे, जो डॉक्टर हैं उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, क्वालिफिकेशंस के साथ उनके क्रेडेंशियल्स भी चेक आपको करने हैं, उसके अलावा उनको कितना एक्सपीरियंस है इस तरह की सर्जरी का, गायनेकोमीजिया की सर्जरी करने का, वो कितना रूटीन में इस सर्जरी को परफॉर्म करते हैं। उसके साथ ही आपको ये भी देखना है कि जो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उनकी सर्जिकल ट्रेनिंग कैसी है, सर्जिकल ट्रेनिंग कहाँ से हुई है, किस जगह से उन्होंने गायनेकोमीजिया सर्जरी की ट्रेनिंग स्पेसिफिकली ली है, कैसा वो सेटअप है जिसमें वो ऑपरेट करेंगे, कैसा बैकअप है उस सेटअप में हर तरह की सिचुएशन से डील करने के लिए। ये सब रिसर्च करके जब आप एक कंक्लूजन पे पहुँचेंगे कि हाँ, आपने एक क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर, एक अच्छा क्लिनिक चूज कर लिया है अपनी सर्जरी के लिए, तो ये सब चीज़ें डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी फाइनली एक नेचुरल रिजल्ट पाने में, एक फ्लैट चेस्ट पाने में विद मिनिमम स्कारिंग और विद मिनिमम कॉम्प्लिकेशन। इसके साथ एक जो आपको एडवांटेज रहेगा कि जब आप एक क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस सर्जन से मिलेंगे इवन बिफोर सर्जरी फॉर योर कंसल्टेशन, तब भी वो एग्जामिनेशन के दौरान ही आपकी बहुत सारी क्वेरीज और क्वेश्चंस को इस तरीके से अटेंड करेंगे कि आपको उनका प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाएगा, और वो जो सॉल्यूशन मिलेगा और जो उनके जो सजेशंस होंगे डॉक्टर के, वो आपको हेल्प करेंगे डिसाइड करने में कि आपको गायनेकोमीजिया की सर्जरी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। और जब आप फाइनलाइज कर लेते हैं, आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ, जो मेरे डॉक्टर हैं, जो सर्जन हैं, वो फुली क्वालिफाइड है गायनेकोमीजिया सर्जरी करने के लिए और उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस है इस तरह का प्रोसीजर्स रूटीन में करने का, तो जो चीज़ें आपको मदद करती हैं उसमें वो सबसे अच्छी चीज़ें ये है कि ड्यूरिंग डायग्नोसिस आप पूरे क्लियर हो जाते हैं, आपका थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाता है, जो सर्जिकल पार्ट होता है वो सब कुछ बहुत ही स्मूथली निकलता है, क्योंकि ये प्रोसीजर्स वो डॉक्टर और उनकी टीम रूटीनली कर रहे होते हैं, उनके लिए ये कोई नई चीज़ नहीं होती, और एक वो सेट प्रोटोकॉल्स SOPs फॉलो करते हैं इस तरह के प्रोसीजर्स के लिए, जिससे कि जो प्रोसीजर है वो स्मूथली कंडक्ट हो जाता है, टाइमली कंडक्ट हो जाता है, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता है, फाइनली जो आउटकम मिलता है फ्लैट चेस्ट विद मिनिमल स्कारिंग, मिनिमल डाउन टाइम एंड विद मिनिमम कॉम्प्लिकेशंस, वो काफ़ी हद तक आप अच्छे से अचीव कर सकते हैं अगर आप अपना रिसर्च पूरे तरीके से करके और उसके बाद डॉक्टर से मिलते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड या गायनेकोमीजिया से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस या क्वेरीज अगर आप पूछना चाहें तो नीचे लिखे हमारे नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी पे हमें लिख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस या क्वेरीज पूछनी हो तो आप इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, हम जल्द से जल्द उन क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।